बेकरार करके हमें यू न चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, बेकरार करके आज मैं किसी को जाने वाला हूँ, क्योंकि आ लूंगा किसी की क्लास, देखते हैं क्यों फेल होते हैं या पास। बने रहिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो आज होने वाला है, इसलिए नहीं लेकिन सच सामने आने वाला है। बताता हूँ आपको, यूं गया इनकी क्लास लेने और यूं आया। क्या बोले तो मुन्ना भाई, तो दोस्तों मैं आ गया। और बड़े बड़े लोग अब आजकल समाज सुधारक बन गए, बुरे काम करते करते अच्छे कामों में लिप्त हो गए हैं, अच्छी बात है, सतयुग आ गया। चलिए सीधे सीधे बात करता हूं मानस समर्थ जी के बारे में, जो कि एक यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड डाइटिशियन बन गए हैं। वो पता नहीं किसने बनाया, BRC ने बनाया, किसने बनाया, चलिए उसको भी छोड़ते हैं बात, क्योंकि वो अब सच के साथ जुड़ गए हैं। पिछले 3 सालों से वो झूठ के साथ जुड़े हुए थे, अब वो सच के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन क्यों अचानक, क्यों ये मन परिवर्तन, क्यों 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 क्यों, क्या किया? तेरा नाम लिया। जी हाँ, तेरा नाम लिया और तुझे याद किया मानस। अगर मानस जी आपको याद हो तो आज से 1.5-2 साल पहले या 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, BRC की पोल खोली थी, जिसमें कि आपने बहुत शोर मचाया था, बहुत शोर मचाया था, और आप हमेशा उनका साथ लेते रहे। आज 2 मुद्दों पर बात करूंगा। पहली चीज कि मानस जी अपने वीडियो में अभी भी ये बोल रहे हैं, भले ही वो BRC की पोल खोल रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि मेरी हार्ट की प्रॉब्लम उनकी नेचुरोपैथी से, उनकी डिप डाइट से ठीक हो गई। मुझे ऐसा लगता है मानस जी आप कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश भी कर रहे हो। अगर आपकी ब्लॉकेज खुल गई है, आप ठीक हो गए हो, तो प्लीज एक बार CT कोरोनरी एंजियोग्राफी दोबारा करा के ये दर्शकों को बताएं कि आपकी ब्लॉकेज खुल गई है या नहीं खुली है। ठीक है, हम कैसे मान लें कि खुल गई है आपकी ब्लॉकेज? जाइए दोबारा कराइए, जहां से पहले कराई थी वहीं से दोबारा कराइए और आके बताइए कि हाँ ये देखो जी मेरी ब्लॉकेज खुल गई। किसी दवाई से, किसी पैथी से ब्लॉकेज नहीं खुलती हैं। आप फर्दर रोक सकते हो उसको प्रोग्रेस होने को, या कोलेटरल्स डेवलप हो जाते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल सुधारते हैं, उनसे थोड़े कोलेटरल्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो ब्लॉकेज 90% है तो वो 90% ही रहेगी। वो बात अलग है कि अब रिपोर्ट ही गलत आ जाएगी, वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिखा दें तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन ब्लॉकेज खुलती नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूंगा मानस जी, अगर आपने अपने सच को साबित करना है कि आपकी ब्लॉकेज खुल गई है, तो आइए, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपने भी अपने इस आयुर्वेदा को लेके आगे, आयुर्वेदा नहीं सॉरी नेचुरोपैथी को लेके आगे जाना है, तो इसलिए भी शायद आप इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप कितने ठीक हुए हैं, हम चाहते तो हैं कि आप ठीक हो जाएं, एक दिल से आपके लिए दुआ है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, और लेकिन फिर मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अपनी एक CT कोरोनरी एंजियोग्राफी दोबारा करा के देख लें, तो हमारे लिए भी एक सबक होगा और आपके लिए भी एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको कि आप कितने स्वस्थ हो चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, और यही भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लोचा है, कि अचानक मानस समर्थ का जो धर्म परिवर्तन नहीं मन परिवर्तन हुआ, अचानक ये BRC के साथ रहते रहते या हमारे जो मनीष जी के साथ रहते रहते अचानक इन्होंने ऐसे फन मारना क्यों शुरू कर दिया, ये कैसे बिल में से बाहर आ गए, गलत कामों के साथ रहते रहते अब सच्चाई की बातें क्यों करनी शुरू कर दिए, इस पर टॉपिक पर बात करूंगा। आपने बोला कि हमें कमीशन मिलती थी, आपने बोला हमें कमीशन मिलती थी, हम पेशेंट रिफर करते थे, तो ये आपने बोला है। किडनी के पेशेंट में आपको कमीशन मिलती थी, किडनी के पेशेंट आप रिफर करते थे उस पर भी कमीशन मिलती थी, कितने बुरे लोग हो आप। ये बात की तो ये तो बात की बात है कि किडनी के पेशेंट का क्या हुआ, ये तो अब आपको जाके पता चला, जो मैं 2 साल से भोंक रहा था, कुत्ते की तरह से भोंक रहा था, तब आपकी समझ में नहीं आ रहा था किसी की। हमें सब बेवकूफ बनाते थे, बोलते थे ये डॉक्टर ऐसा, एलोपैथी ऐसी, फलाना ऐसा, ये वैसा वो वैसा, लेकिन आप लोग तो उस समय कमीशन खाने में, किडनी पेशेंट की कमीशन खा रहे थे आप, क्या कहा जाए फिर आपके बारे में। चलिए अब तो आपको पता चल गया कि वो किडनी के पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, फलाना नहीं हो रहे, धिमका नहीं हो गए, है ना, वो अचानक आपको ये पता चला, पता तो आपको पहले से भी था, वो बात अलग है कि तब शायद कमीशन मिल रही थी।
तब शायद कमीशन मिल रही थी। आपने ये बोला है कि हमें कमीशन मिली, तो किडनी के पेशेंट की भी कमीशन मिली होगी। एक मरे हुए मरीज से आपने भी कमीशन खाई है, बता दिए कितनी कमीशन खाई है। अगर आप में थोड़ी गैरत बाकी हो, सारी कमीशन का रिकॉर्ड दिखाएं और उस कमीशन को गरीबों में बांट दें, और जिस जिस पेशेंट्स के थ्रू वो कमीशन आई है उन्हीं को वापस कर दें, सबसे अच्छा यही होगा। शायद आपका गिल्ट, मन के अंदर जो गिल्ट होंगे वो भी थोड़े से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक अपराध बोध की भावना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कि एक गिल्ट मन में आ जाता है, एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मैंने गलत काम किया है। अगर आपने सच में गलत काम किया है तो आप उसने, आपने एक्सेप्ट करा है, लेकिन वो कितना बड़ा गलत काम था वो आप सोच भी नहीं सकते कि किडनी के पेशेंट की आपने भी कमीशन खाई। तो आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। अगर आप आज ये बहुत सच सामने ला ला के आप सोच रहे हो कि आप कोई क्रांति लेके आ रहे हो, फलाना लेके आ रहे हो, सर ये जब अचानक पलटियां मारी जाती है ना, तो कोई बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। और आप बताएंगे नहीं कि बहुत बड़ा कारण क्या है, ये कारण सिर्फ आचार्य मनीष बता सकते हैं। आचार्य चलो कोई बात नहीं, मनीष बता सकते हैं या BRC, उनका तो बेचारों का थोबड़ा भी लटक गया, बाल बाल देख के लगता है पता नहीं क्या हो गया। अच्छा इधर इनको ये प्रॉब्लम है कि वो करोड़ों कमा रहे हैं। एक वीडियो में ये भी बोला कि करोड़ों की कमाई हो रही है उनकी, ये भी तकलीफ है इनको, शायद मानस जी को, तो उनकी करोड़ों की, इनकी हजारों की, साथ इन्होंने भी दिया, एक पैसा है क्या इसके पीछे? सारे वैसे कहते हैं जड़ जोरू गुलाम, पैसा तो बहुत बड़ी जड़ होती है, पार्टनरशिप क्या है? अब क्या कहानी है अंदर की, क्या ये भी उसमें पार्टनर बनना चाहते थे इनके सेटअप में, या इनको पैसा पूरा नहीं मिला, या इनके साथ कुछ और उल्टा सीधा हुआ, या ये कुछ चाहते होंगे तो वो इनको नहीं मिल पा रहा है, या किसी और ने इनको पैसा दिया है बोलने के लिए, हमें नहीं पता। लेकिन ये सच इनको आके बताना चाहिए। ये यही बोलेंगे कि मेरी अंतरात्मा जाग गई है, मैंने जब देखा किडनी के पेशेंट खराब हो रहे हैं तब मेरी अंतरात्मा जाग गई, लोगों ने जब बताया तो अंतरात्मा जाग गई, लेकिन आपने कमीशन खाई, उस समय आपकी आत्मा को क्या हुआ? आपको तब भी पता था किडनी के पेशेंट हैं, सीरियस हैं, आपने कमीशन खाई, तब आपकी आत्मा कहाँ गई थी? तो ये जो बातें करते हैं ना, मेरी आत्मा जाग गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ये सब फालतू के टंटे हैं। असली कहानी तो सिर्फ BRC या फिर मनीष जी यही आके बता सकते हैं। मुझे आपसे सिंपैथी है आचार्य मनीष जी, और अब ये लोग भी अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और BRC तो बोल रहे हैं कभी कोई कालरा आ जाता है, कभी कोई दुबे आ जाता है, कभी कोई मानस आ जाता है, मैं किस किस को एक्सप्लेनेशन दूं? तुम्हें भाई एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ऊपर जाकर, जिन जिन लोगों की तुमने ऐसी तैसी करी है ना। और दुख तो मुझे सिर्फ सरकार से है कि सरकार को सब पता होते हुए भी सरकार कुछ नहीं करती है इनके खिलाफ। इस हिसाब से कोई भी अपनी डायलिसिस के नाम से घर में एक टब बिठा के या एक बोरी किसी भी सॉल्ट की डाल के बैठ जाएगा और बताएगा जी देखो ये हम ये ले लो, फलाना ले लो, 50,000 का है, 1,00,000 का है सामान मेरा, मैं आपको ठीक कर दूंगा। जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है उसके बेस पे लोगों का बेवकूफ़ बनाना, पूरे पूरे पेज के ऐड देना ST में, मैं हिंदुस्तान टाइम्स वालों को भी बोलूंगा कि सर आप भी बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम? ऑब्जेक्शन होना चाहिए ऐसे ऐड पे जहां पे लिखा हुआ स्टॉप डायलिसिस, स्टॉप ये, स्टॉप वो, लेकिन करप्शन हर जगह पे है, कोई नहीं बोलेगा। मैं बात करना चाहूंगा ST मीडिया से कि भाई इस तरह के ऐड आपके पेपर में आ रहे हैं, आप बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज़पेपर हैं, इस तरह के ऐड देना कहां तक संभव है और क्या ये इलीगल नहीं है? मैं प्लीज पूछना चाहूंगा ST मीडिया से, प्लीज मुझे बताएं। तो चलिए समर्थ मानस जी, अगर आपने जो जो कमीशनें खाई हैं, बेटर होगा उस कमीशन को उजागर करें, कितनी कमीशन खाई वो भी टोटल बता दे अब तक, और वो इन्हीं पेशेंट के बीच में बांट दे, जिस पेशेंट के थ्रू वो कमीशनें आई हैं अगर आपको याद है तो, अगर आपने कोई डायरी बना रखी थी तो, या फोन में ही कहीं पता है तो, और आपके साथी लोग जो आपको फेवर करें, जिन्होंने और लोगों ने भी कमीशनें खाई हैं, वो सब भी सरेंडर करें और कमीशनें वापिस करें। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। लोग कहते हैं सर डॉक्टर काला नौटंकी ज्यादा करते हो, ड्रामा ज्यादा करते हो, गाने क्यों गाते हो? BRC को तो मेरे गानों से ही प्रॉब्लम है। अरे गाना गाए कम से कम खुश तो खुश रहता हूँ, तुम्हारे जैसे मैं उल्टे सीधे काम करके ऐसी तैसी करके तो नहीं ना, उल्टे सीधे पैसे कमा के तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं गाना गा के ही खुश हूँ। जिसको नहीं सुनना हो जाए अपनी भैंस चलाए और क्या। चलो चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो मानस जी मुझे आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे जहन में उतर नहीं पा रही हैं, कुछ चीज़ों को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपका अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और आपने कमीशन क्यों खाई। अगर आप दिल के इतने ही साफ सुथरे थे तो पहले भी साफ सुथरे थे।
हो सकता है उसको आपको ये ना पता चला होगा किडनी के पेशेंट का ये हाल होगा उस समय, लेकिन किडनी के पेशेंट में कमीशन तो खाई ना, बस वहीं से पता चल जाता है कि मरे हुए मरीज से आपने भी निचोड़ा है। अगर आप दूसरों पर तोहमत लगा रहे तो आपने भी निचोड़ा है, आप ही ने भेजा था वहां पे। लेकिन चलिए आपको नहीं पता था कि उनका यह हाल होगा, लेकिन कमीशन तो खाई। कितनी खाई ये बता। तो बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आपको हमारी कसम लौटा दीजिए, जितना पैसा लिया सब लौटा दो। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सुना था मानस जी आपकी बातें सुन के पता चल गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन उस अंधेर में आपने बहुत सारे पैसे अंदर भी कर लिए, शुक्रिया। निकाल दो बाहर अगर ऐसा हुआ है तो। थैंक यू।